हाय गाइस, दिस इज़ गगनजीत, वेलकम बैक। तो गाइस, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है एक बुलेट एक्सेसरीज़ के बारे में। तो बने रहिए, इस वीडियो को पूरे देखते रहिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था कि मैं बुलेट को तैयार करूं राइड्स के लिए। अगर आप को नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि मैं बुलेट को अब राइडिंग पे लेके जाऊंगा आगे चल के, और राइड्स इसके साथ किया करेंगे। लेकिन हाईवे पे लेके जाने के लिए कुछ एक्सेसरीज इस पर लगवानी ज़रूरी होती है हमारी सेफ्टी के लिए, और कुछ चीज़ें जो आपको कम्फर्टेबल बना देती हैं हाईवे पर राइड करने के लिए। तो यही सोच के साथ मैंने काफ़ी रिसर्च करी। मैं रातों को बैठा रहता था, मैं ढूंढता रहता था, और कई लोगों की तरह YouTube पे एक चैनल जो उभर के आया, जो काफ़ी प्रोमिनेंटली सामने आया, वो था रॉयल बुलेट एक्सेसरीज़ वर्ल्ड का। तो मुझे उनकी वैरायटी अच्छी लगी, मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन दी हुई थी YouTube के ऊपर हर एक चीज़ की। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक दिन उनके पास जाऊँगा और कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर जाके लगवाएंगे। तो मंडे का दिन था जिस दिन की ये वीडियो है। मैं मंडे को, मुझे था कि मैं फ्री हूँ, शाम को जल्दी निकल आता हूँ ऑफिस से, तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ होके आया जाए। बट मुझे पता लगा कि करोल बाग मंडे मार्केट बंद होती है और शायद से वो शॉप भी खुली ना हो। बट मैंने रिस्क लिया, मैंने उनको मैसेज किया, कॉन्टैक्ट किया गूगल के थ्रू, और गूगल के थ्रू कॉन्टैक्ट करके मैं वहाँ पहुँचा। फॉर्चुनेटली टू माई गुड लक वो दुकान खुली हुई थी। सेल्स स्टाफ ने मेरी वहाँ पर काफ़ी मदद करी शॉर्टलिस्ट करने में एक्सेसरीज़ को जो मुझे चाहिए थी। तो मैंने कुछ कुछ एक्सेसरीज जो लगाई हैं, मैं आओ आपको दिखाता हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या क्या लगवाया। मैंने अपनी बाइक के अंदर जो पायलट लाइट्स लगवाई हैं वाइट कलर की, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मुझे LED वाली फील चाहिए जैसे गाड़ियों के अंदर होती है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी वाइट LED। तो मैंने वहाँ सामने पायलट आई, जहाँ पर टाइगर आई भी कहते जिसको, मैंने वहाँ पर वाइट LED लगवाई हैं, और मैंने एक नाइट आई लगवाई है जो अंधेरे को काफ़ी चीर के काफ़ी साफ़ सुथरा बिल्कुल दिन कर देती है और आपको काफ़ी क्लियरली दिखाई देता है। काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, देखिएगा। और इसके साथ साथ मैंने इसके अंदर लगवाया है सिंटेक का हैज़र्ड लाइट सिस्टम। आगे के दो फ्लैशेस और पीछे के दो फ्लैशेस मैंने इंडिकेटर के अंदर दो फ्लैशेस लगवाए हैं, दो आगे दो पीछे। काफ़ी कामयाब चीज़ है, काफ़ी फेमस चीज़ है सिमटेक का। और इसी के साथ साथ एक हैज़र्ड लाइट सिस्टम भी लगवाया है जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने में मदद करता है। 21 पैटर्न्स हैं इसके अंदर, आपको वीडियो में दिख ही गया होगा किस तरीके से आप कोई भी पैटर्न अपनी पसंद का सिलेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है जब आप एक लो विजिबिलिटी क्लाइमेट के अंदर आप राइड कर रहे होते हैं, तो आपको काफ़ी ईजी हो जाता है अपने आप को दूर से दिखाना कि आप कहाँ पे हैं। साथ ही साथ कोई अगर आपकी बाइक में प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो वो भी आपको आप वो उसको जला के दूसरों को इंडिकेट कर सकते हैं। तो यूजुअली मैं गाड़ी से ट्रैवल करता हूँ ऑफिस, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना बुलेट को आजकल लेके जाया जाए। लेकिन उसको ले जाने के लिए मुझे काफ़ी सामान कैरी करना पड़ता है जो ऑफिस का, वो मैं कैरी नहीं कर पाता बुलेट के ऊपर। तो मैंने इसीलिए एक छोटा सा एक लगेज कैरी करने के लिए एक बैग लगवाया। और क्वालिटी परफॉर्मेंस वगैरह आप देख ही रहे होंगे वीडियो के अंदर इन सब चीज़ों की कैसी रही है। इसी तरीके से और भी कई छोटी छोटी चीज़ें लगवाई थी, जैसे कि नी गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स, प्रोगेयर के, एंड साथ ही साथ HJG का मोबाइल चार्जर। पार्किंग लाइट के अंदर पीछे टेल लैम्प के अंदर मैंने इनको कहा था कि मुझे एक बल्ब दूसरा चेंज कर दीजिए थोड़ी विजिबिलिटी के लिए, बट उन्होंने अपनी तरह से क्रिएटिविटी दिखाई, पीछे एक फ्लैशर लगा दिया जो ब्रेक मारने के ऊपर फ्लैश करता है। लेकिन सेफ्टी का कंसर्न ज़रूरी है, क्योंकि पीछे आने वाले को इंडिकेशन होनी चाहिए कि कब ब्रेक लग रही है कब नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि मैं आगे जाके इसको हटा दूंगा। तो देखा आपने आज की वीडियो किस तरीके से मैंने अपनी एक्सेसरीज़ वगैरह मैंने इसमें इंक्लूड करवाई हैं। मेन मकसद यही है कि धीरे धीरे करके गाड़ी को प्रिपेयर करना है एक लॉन्ग राइड के लिए, ताकि हम इसको हाईवेज़ पे एक लंबे रास्ते के ऊपर लेके जा सके कम्फर्टेबली। ये मॉडिफिकेशंस भी मैंने तभी करवाई हैं, और आपने देख ही लिया अपनी आँखों से। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपको लगा कि इसमें से कुछ बेसिक मॉडिफिकेशंस हैं जो आप उनको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से होती हैं एक बुलेट के अंदर, और वो भी करवाना चाहते हैं, तो
मैं इसमें प्राइस भी शेयर किया हुआ है, तो आप उसको देखिएगा ज़रूर प्राइसेस वगैरह को। साथ ही साथ आपको आइडिया लग जाएगा कि किस कितना कौन सी चीज़ कितने प्राइस की और कितने कॉस्ट की आती है, आपने लगवानी है या नहीं लगवानी, उसकी वारंटी गारंटी क्या रहती है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हों, आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लगा हो, तो आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। तो इसी के साथ इजाज़त लेते हैं, ये थी आज की वीडियो, इस हफ्ते की व्लॉग। मिलते हैं आपके अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दिस इज़ गगनजीत साइनिंग ऑफ, टेक केयर।